हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टूर रिपोर्ट की। जब आप यूनिवर्सिटी से या किसी कॉलेज से टूर जाते हैं, तो उस टूर के बाद जो कि वो आपका शैक्षणिक भ्रमण होता है, बहुत सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ती हैं, टूर रिपोर्ट बनाना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी टूर रिपोर्ट बहुत ही बेहतरीन और अच्छे तरीके से कैसे बना सकते हैं। देखिए, टूर रिपोर्ट लिखने के लिए आपको निम्नलिखित धाराओं का पालन करना होगा, ठीक है? निम्न बातें हैं जिसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना होगा। इसमें से पहली बात क्या है कि जो भी आप परियोजना बनाएंगे, ठीक है, जो भी आप परियोजना बना रहे हैं, उस परियोजना को अच्छे तरीके से आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है? तो उसका सबसे पहले आपको क्या करना होगा, संक्षिप्त विवरण देना होगा। यानी कि टूर रिपोर्ट में उसकी शुरुआत में आपको उसके प्रयास का संक्षिप्त वर्णन देना होगा, जैसे कि यह क्यों किया गया, टूर कितने दिन तक चला और इसका उद्देश्य क्या था। दूसरा पॉइंट है यात्रा की विशेषताएं आपको देनी होंगी। आपको यात्रा के दौरान देखी गई विशेषताओं का भी वर्णन करना चाहिए, जैसे कि स्थल, लोग, स्थानीय आदतें, खान पान आदि। इन बातों का आपको ध्यान देना होगा। इसके अलावा दिन प्रतिदिन का विवरण भी आपको देना होगा, जैसे कि यात्रा के प्रत्येक दिन के बारे में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करें, जैसे आप कहाँ गए, क्या किए, और बहुत सी मीठी मीठी गुदगुदी सी बातें आप उसमें दे सकते हैं, क्या खाया, किन किन स्थानों का दर्शन किया, ठीक है? जो भी आपने देखा, महसूस किया, उसका वर्णन आपको अपने टूर में करना है। चौथी पॉइंट बात क्या है, अनुभव और सीख। आपको उस यात्रा से, उस भ्रमण से सीख क्या मिली, अनुभव क्या मिला, उसको भी अपने टूर रिपोर्ट में शामिल करना है। इसके अलावा उस टूर में फोटो और वीडियो भी आप डाल सकते हैं, जो भी आपने वीडियो या फोटो लिया हो। अगर पीपीटी बना रहे हैं आप, तो वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप पीडीएफ फॉर्मेट में दे रहे हैं तो आप फोटो भी उसमें लगा सकते हैं। इसके अलावा टूर के अंत में उसका संक्षिप्त समापन भी आपको लिखना होगा, एक समापन प्रस्तुत करना पड़ेगा, जिसमें आप यात्रा के महत्वपूर्ण अंशों को फिर से दोबारा उसमें दर्शा सकते हैं, ठीक है? तो इन सब बातों का ध्यान रख करके आप एक अच्छे और बहुत ही सुंदर संवेदनशील टूर रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो आइए, हमने यहाँ पर एक टूर रिपोर्ट तैयार किया हुआ है, जिसमें आपको दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपका पीडीएफ फॉर्मेट का जो पेज होगा, जो भी आप फाइल बनाएंगे, उसमें सबसे पहले कॉलेज का नाम लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सत्यदेव डिग्री कॉलेज, गाधीपुरम, बोरसिया, फदनपुर, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, जहाँ पर ये कॉलेज स्थित है। इसके अलावा फिर ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, टूर रिपोर्ट सेशन 2022-23। इसके अलावा उस टूर के जो भी सुपरवाइजर हैं, आप उनका नाम देंगे, ठीक है? आप अपने कॉलेज का नाम देंगे और कॉलेज के जो भी आपके ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में या जिस भी डिपार्टमेंट का टूर आपका गया हो, आप उस डिपार्टमेंट के टूर सुपरवाइजर का या उसके टीचर्स का नाम ऐड करेंगे। नाम ऐड करने के बाद यहाँ पे आप प्रेजेंटेशन, जो उसको टूर को प्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंटर, जैसे यहाँ पर हमने शालिनी सिंह का नाम दिया हुआ है, शालिनी सिंह, MA सेकेंड सेमेस्टर, रोल नंबर इतना, आप अपना नाम और अपना रोल नंबर लिखेंगे, अपना क्लास लिखेंगे, जैसे MA में है तो MA में लिखिए, अगर आप BA में पढ़ते हैं तो BA का लिख सकते हैं, ठीक है? सत्यदेव डिग्री कॉलेज गाजीपुर, तो आपको इस तरीके से बनाना है। फिर अगला पेज आपका क्या होगा, विषय सूची का होगा, जिसमें आप विषय सूची लिखेंगे, ठीक है? विषय सूची में आभार, जैसे जैसे आपने अलग अलग पेज पर लिखा हुआ है, वो पूरा इसमें इंक्लूड करेंगे, जैसे आभार, प्रस्तावना, यात्रा विवरण, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, उपसंहार भी आप लिखेंगे, और आभार फिर से पुनः लिखना है, ठीक है? देखिए, इसमें दो आभार दिया गया है। एक आभार इसलिए होता है रिपोर्ट की शुरुआत में, जिसने आपकी रिपोर्ट को तैयार कराया हुआ है, तो तैयार कराने के लिए एक आभार है, और दूसरा आभार होता है कि जिसके सहायता से आपने अपना पूरा ही भ्रमण कंप्लीट किया हो, टूर पूरी कंप्लीट की हो, तो उसके लिए आभार देना होता है। अब उसके बाद आप दो शब्द भी लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया हुआ है,
भूगोल एक विज्ञान है जो पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों जैसे पहाड़, महाद्वीप, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, जल संधियां, वन आदि का ज्ञान होता है। टूरिज्म के माध्यम से हम प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं, स्थानीय समुदायों का समर्थन कर सकते हैं और समुद्री प्रदेशों का प्रबंध कर सकते हैं। एमए भूगोल विषय के अंतर्गत पर्यटन को विशेष महत्व दिया गया है। इस पर्यटन को प्रस्तुत करते हुए मुझे आज अपार हर्ष हो रहा है कि मैंने भूगोल का अध्ययन करके अपने छात्र जीवन में पर्यटन का लाभ उठाया है। मानव जीवन में पर्यटन अथवा घुमक्कड़ी का सामाजिक जीवन स्तर, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य तथा ज्ञान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भूगोल का कोई भी विद्वान या खोजकर्ता पर्यटन और टूर से ही आगे बढ़ पाया है और नवीन जानकारी उपलब्ध कर पाया है। भूगोल विषय महान भूगोलताओं की यात्रा और पर्यटन की ही देन है। यह यात्रा वर्णन मैं अपने पूज्य गुरुजी को समर्पित करता हूँ या करती हूँ। फिर अपना आप यहाँ नाम देंगे, नाम अपना लिखेंगे और नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पर इसको ऑथराइज भी करना होगा, यानी कि सिग्नेचर भी आपको अपना यहाँ करना होगा। ठीक है, देखिए जब आपकी टूर रिपोर्ट तैयार हो जाएगी तो आप अपने टूर सुपरवाइजर से भी सिग्नेचर कराएंगे, यानी कि टूर सुपरवाइजर का यहाँ भी सिग्नेचर होगा और आप अपना भी सिग्नेचर यहाँ पर जो है कि करेंगे, आप अपना भी सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो दो शब्द की मैं बात कर रहा था, दो शब्द ये हो गया आपका। अब यहाँ से शुरू होगा आभार। ठीक है, आभार आप लिखेंगे, मैं यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे जो भी आपका नाम है। ठीक है, ए बी सी एक्स वाई जेड जो भी है। फिर अपना क्लास लिखेंगे, एम ए है तो एम ए या बी ए है तो बी ए, आप यहाँ क्लास लिखेंगे। मैं इस शैक्षणिक भ्रमण के कार्य के पूर्ति हेतु प्राध्यापक, जैसे यहाँ पर नाम प्राध्यापक का दिया गया है, आनंद कुशवाहा सर, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, और अपने साथी सहपाठियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ या करती हूँ, जो भी हैं आप, गर्ल हैं तो करती हूँ, बॉय हैं तो करता हूँ, जिनकी असीम सहायता से शैक्षणिक भ्रमण का रिपोर्ट लेखन कार्य संपन्न हो पाया है तथा जिसके कारण हम नवीन ज्ञान के साथ साथ प्रत्यक्ष अनुभव भी हासिल कर पाए। धन्यवाद। नाम आप यहाँ पर देंगे और कक्षा भी लिखेंगे। इसके बाद फिर प्रस्तावना लिखेंगे। वैसे तो शैक्षणिक भ्रमण प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है। प्राचीन काल में लोग पैदल, घोड़ों पर, रथों पर यात्रा किया करते थे। आधुनिक काल में परिभ्रमण के नए नए साधन उपलब्ध हो गए हैं। आज मोटरगाड़ी, हवाई जहाज आदि अनेक साधन हैं। इनसे परिभ्रमण करना आसान हो गया है और एक ही दिन में हजारों मीलों की यात्रा भी संभव है। इतना लिखने के बाद अगले पेज से आप शुरुआत करेंगे और लिखेंगे यात्रा का महत्व। देखिए, यात्रा व भ्रमण ज्ञान अर्जन व सीखने का सबसे अच्छा माध्यम है। मनोरंजन के साथ सीखने का अवसर स्कूल के शैक्षणिक भ्रमण में मिलता है। रोजाना की दिनचर्या से कुछ हटकर नए स्थानों पर घूमने से न सिर्फ ज्ञान में वृद्धि होती है बल्कि मानसिक रूप से भी व्यक्ति को तंदुरुस्त भी बनाता है। इसी के चलते राज्य के अधिकतर शिक्षा संस्थान गर्मियों अथवा छुट्टियों की सर्दियों में भी बच्चों को इस तरह की शैक्षिक यात्राओं पर ले जाते हैं। ठीक है, यात्रा के महत्व में आपको ये लिखना है। इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे शैक्षिक भ्रमण शक्तिशाली सकारात्मक शिक्षण उपकरण है जो सभी शिक्षार्थियों के सामाजिक, व्यक्तिगत और भावनात्मक विकास को बढ़ाने में मदद करते हैं। ईवीएस में, यानी कि जैसे पर्यावरण साइंस वगैरह चीजें हो गई, शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य छात्रों को वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना है। इतना आपका यात्रा का महत्व में हो जाएगा। फिर अगले पेज से आप शुरुआत करेंगे अध्याय एक की। जैसे यह या यात्रा चित्रकूट के लिए की गई थी तो अध्याय एक में आप चित्रकूट यात्रा का महत्व लिखेंगे। भारतीय साहित्य और पवित्र धार्मिक ग्रंथों में प्रख्यात वनवास काल में 11.5 वर्षों तक भगवान राम, माता सीता तथा प्रभु श्री राम के अनुज लक्ष्मण की निवास स्थली रहा चित्रकूट,
मानव हृदय को शुद्ध करने और प्रकृति के आकर्षण से पर्यटकों को आकर्षित करने में सक्षम है। चित्रकूट एक प्राकृतिक स्थान है जो प्राकृतिक उद्देश्यों के साथ साथ अपने आध्यात्मिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है। एक पर्यटक यहाँ के खूबसूरत झरने, चंचल युवा हिरण और नाचते मोर को देखकर रोमांचित हो जाता है। तो एक तीर्थयात्री पयस्विनी मंदाकिनी में डुबकी लेकर और कामदगिरी की धूल में तल्लीन होकर अभिभूत प्राचीन काल से चित्रकूट के ब्रह्मांडीय चेतना के लिए प्रेरणा का एक जीवंत केंद्र रहा है। हजारों भिक्षुओं, साधुओं और संतों ने यहाँ उच्च आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त की है और अपनी तपस्या, साधना, योग और विभिन्न कठिन आध्यात्मिक प्रयासों के माध्यम से विश्व पर लाभदायक प्रभाव डाला है। अब यात्रा का मार्ग आपको लिखना है। इसी में यात्रा मार्ग, जैसे आप जिस तरीके से भी आप गए हों अपने कॉलेज में, जो भी जिस भी मार्ग पे, जिस भी स्थान पे आपकी यात्रा संपन्न हुई है, बिल्कुल इसी तरीके से है यहाँ पर। उसमें चेंजिंग लाते हुए आपको अपने टूर के हिसाब से लिख लेना है। जैसे मैंने यहाँ चित्रकूट के लिए लिखा है कि चित्रकूट जाने के लिए हमारा पर्यटन मार्ग गाजीपुर से शुरू होकर बनारस, प्रयागराज होते हुए चित्रकूट पहुंचा। वहां पहुंचकर सबसे पहले हम रामघाट गए। रामघाट के बाद हम कामतानाथ मंदिर और लक्ष्मण पहाड़ी की यात्रा की। उसके बाद हम सीता कुंड और सीता रसोई तथा हनुमान धारा पहुंचे और वहां से गुप्त गोदावरी भी गए। उसके बाद वापसी में प्रयागराज होते हुए हम वाराणसी के रास्ते वापसी में प्रयागराज होते हुए हम वाराणसी के रास्ते गाजीपुर वापस आ गए। इसके बाद आपको यात्रा का विवरण भी देना है। हमारे सत्यदेव डिग्री कॉलेज में पर्यटन यात्रा 6 नवंबर 2022 से शुरू हुई। हम और हमारे साथी तथा प्राध्यापकगण 6 नवंबर की शाम को कॉलेज परिसर में उपस्थित हो गए। बस में उचित स्थान पर बैठने के साथ ही हमारे टूर निर्देशक श्री आनंद कुशवाहा सर ने उपस्थिति ली और विद्यार्थियों की गणना के बाद हमारे बैच नंबर 2 की बस शाम को 8 बजे चित्रकूट के लिए प्रस्थान कर गई। देखिए, यहाँ पर बैच नंबर 2 की बात आई है। यहाँ पर कॉलेज में कभी कभी क्या होता है, टूर जाने के लिए कई बैच बनते हैं। तो बैच नंबर 1, बैच नंबर 2, बैच नंबर 3 ऐसे बनता है। अगर कोई बैच नहीं है तो आप इसको स्किप कर देंगे। बस से जा रहे हैं तो बस लिखेंगे, ट्रेन से जा रहे हैं तो ट्रेन से लिखेंगे। मतलब जैसे भी आपकी यात्रा हुई है, जैसे आपने यात्रा की है, ठीक है, यात्रा का विवरण आपको उसी के अनुसार देना है। अब हम अगले पेज पर आ जाएंगे, अध्याय 2 पर। चित्रकूट जब हम पहुंच गए, चित्रकूट में हमारी बस 7 नवंबर को सुबह 7 बजे पहुंच गई और सुबह पहुंचते ही हमने रामघाट में मंदाकिनी नदी में स्नान किया और वहीं पर नाश्ता करने के बाद हम कामतगिरी पर्वत की तरफ निकल गए। कामतगिरी पर्वत पर भगवान कामतानाथ के दर्शन करने के बाद हम कामतगिरी पर्वत की 5 किलोमीटर की लंबी पैदल परिक्रमा किए। इस परिक्रमा के दौरान हम लक्ष्मण पहाड़ी भी, यह माना जाता है कि अपने वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने कामतगिरी पर्वत की 11.5 वर्षों तक प्रतिदिन परिक्रमा किया करते थे और लक्ष्मण पहाड़ी से लक्ष्मण जी भगवान राम और माता सीता की सुरक्षा किया करते थे। पूरा चित्रकूट धाम विंध्याचल पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। यहाँ पर प्राचीन पर्वत शिलाएं और पहाड़ जो कि मनोरम दृश्य लिए हुए हैं आसानी से देखे जा सकते हैं। चित्रकूट का पावन दृश्य बड़ा ही मनमोहक है और मन को भा जाता है। फिर यहाँ है सीता रसोई। कामतगिरी पर्वत पर ही हमें और हमारे साथियों को दोपहर के 2 बज जाते हैं और वहां से फिर हम निकल जाते हैं सीता रसोई की तरफ। सीता रसोई कामतगिरी पर्वत से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक ऊंचा पहाड़ है जहाँ मान्यता के अनुसार माता सीता रसोई किया करती थी। वहां चढ़ाई के लिए लगभग 700 सीढ़ियां हैं। उन सीढ़ियों से ही हम लोग ऊपर गए और ऊपर जाने के बाद हमने हनुमान धारा और उससे भी ऊपर जाने के बाद सीता रसोई के दर्शन किए। यह पहाड़ी इलाका और ऊंचाई जहां पर सीता रसोई के दर्शन के लिए खड़ी सीढ़ियां थी, बहुत ही भयानक और डरावना था। लेकिन जितना डरावना था
उतना ही भूगोल के हमारे जैसे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही रोमांच से भरा हुआ भी था। सीता रसोई पर्वत पर दर्शन के उपरांत हम लोग वापस दूसरी ओर से होते हुए नीचे आए और तब तक शाम के 6 बज चुके थे। प्राध्यापकगण ने एक बार फिर से हमारी उपस्थिति ली और यह हमें बहुत ही सुरक्षित और अच्छा लगा, क्योंकि एक स्थान पर जाने से पहले और वहाँ से आने के बाद हमारी उपस्थिति ली जाती थी और हमारी काउंटिंग होती थी तथा सबके स्वास्थ्य का ध्यान भी रखा जाता था। अब अध्याय 3 में आप आ जाएंगे, अगले पेज से शुरुआत करेंगे। सीता रसोई और हनुमान धारा का दर्शन करने के बाद शाम के 6 बज चुके थे और हमारे टूर सुपरवाइजर ने यहीं पर श्री राम धर्मशाला में रात्रि विश्राम का निर्णय लिया। यहाँ पर रात्रि विश्राम के पश्चात सुबह जल्दी ही भोर में फिर से हम अपनी बस द्वारा निकल गए अपनी अगली मंजिल की तरफ, जो गुप्त गोदावरी और सीता कुंड का था। माना जाता है कि माता सीता वहाँ पर स्नान किया करती थी और वह भी एक ऊंची पहाड़ी पर ही था। वहाँ दर्शन करने और घूमने के पश्चात हमने आसपास के भी महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्थान और सौंदर्य का दर्शन किया। भोजन करने के बाद हम लोग लगभग 11 बजे चित्रकूट धाम से वापस अपने घर गाजीपुर की तरफ निकल पड़े और शाम के 6 बजे तक हम अपने कॉलेज परिसर में वापस आ चुके थे। यहाँ से आपका अब अध्याय 4 शुरू होगा। अध्याय 4 में आप लिखेंगे चित्रकूट धाम का भूगोल। चित्रकूट धाम भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के चित्रकूट जिले में स्थित एक शहर है। यह उस जिले का मुख्यालय भी है। बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है और बहुत सी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और पुरातात्विक महत्व रखता है। चित्रकूट भगवान राम की कर्मभूमि है। भगवान राम ने वनवास के 11 वर्ष चित्रकूट में ही बिताए थे। चित्रकूट मंदिरों का शहर और धार्मिक स्थल है। यह पड़ोस में ही स्थित मध्य प्रदेश के सतना जिले के चित्रकूट नगर से जुड़ा हुआ है। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे पर बसा भारत के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 38.2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला शांत और सुंदर चित्रकूट प्रकृति और ईश्वर की अनुपम देन है। चारों ओर से विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं और वनों से घिरे चित्रकूट को अनेक आश्चर्यों की पहाड़ी भी कहा जाता है। मंदाकिनी नदी के किनारे बसे अनेक घाट, विशेषकर राम घाट और कामतानाथ मंदिर में पूरे साल श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है और अमावस्या के दिन यहाँ विशेष महत्व माना जाता है। माना जाता है कि भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ अपने वनवास के 14 वर्षों में 11 वर्ष चित्रकूट में ही बिताए थे। इसी स्थान पर ऋषि अत्रि और सती अनुसुईया ने ध्यान लगाया था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने चित्रकूट में ही सती अनुसुईया के घर जन्म लिया था। यहाँ इसी जिले से सटा हुआ एक स्थान राजापुर है, जो तुलसीदास जी का जन्म स्थान है। यहीं पर रामचरितमानस की मूल प्रति भी रखी हुई है। अब हम इस टूर के प्रमुख आकर्षणों की बात करेंगे। अगले पेज से इसकी शुरुआत होगी, प्रमुख आकर्षण, जो कि अध्याय उसी में है। अपनी इस यात्रा के दौरान है ना, जो भी हमने देखा उसका भी विवरण हमें यहाँ पर देना होगा। जैसे अपनी इस यात्रा में हमने बहुत से स्थलों का दौरा किया, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। कहाँ कहाँ गए, अब उसको एक निष्कर्ष के रूप में बता देंगे। जैसे कामदगिरी, इस पवित्र पर्वत का काफी धार्मिक महत्व है। श्रद्धालु कामदगिरी पर्वत की 5 किलोमीटर की परिक्रमा कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामना करते हैं। जंगलों से घिरे इस पर्वत के तल पर अनेक मंदिर बने हुए हैं। चित्रकूट के लोकप्रिय कामतानाथ और भरत मिलाप मंदिर भी यहीं पर स्थित हैं। रामघाट, रामघाट वह घाट है जहां प्रभु राम नित्य स्नान किया करते थे। इसी घाट पर भरत मिलाप मंदिर है और इसी घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा भी है। मंदाकिनी नदी के तट पर बने रामघाट में अनेक धार्मिक क्रियाकलाप चलते रहते हैं। घाट में गेरुआ वस्त्र धारण किए साधु संतों को भजन और कीर्तन करते देख बहुत अच्छा महसूस होता है। शाम को होने वाली यहाँ की आरती
मन को काफी सुकून पहुंचाती है। जानकी कुंड। रामघाट से 2 किलोमीटर की दूरी पर मंदाकिनी नदी के किनारे जानकी कुंड स्थित है। जनक पुत्री होने के कारण सीता को जानकी कहा जाता था। माना जाता है कि जानकी यहाँ स्नान करती थी। जानकी कुंड के समीप ही राम जानकी ने रघुवीर मंदिर और संकट मोचन मंदिर है। स्फटिक शिला। जानकी कुंड से कुछ दूरी पर मंदाकिनी नदी के किनारे ही यह शिला स्थित है। माना जाता है कि इस शिला पर सीता के पैरों के निशान मुद्रित हैं। कहा जाता है कि जब वह इस शिला पर खड़ी थी तो जयंत ने काक रूप धारण कर उन्हें चोंच मारी थी। इस शिला पर राम और सीता बैठकर चित्रकूट की सुंदरता निहारते थे। अनुसुईया अत्रि आश्रम। स्फटिक शिला से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर घने वनों से घिरा यह एकांत आश्रम स्थित है। इस आश्रम में अत्रि मुनि, अनुसुईया, दत्तात्रेय और दुर्वासा मुनि की प्रतिमा स्थापित है। गुप्त गोदावरी। नगर से 18 किलोमीटर की दूरी पर गुप्त गोदावरी स्थित है। यहाँ दो गुफाएं हैं। एक गुफा चौड़ी और ऊंची है। प्रवेश द्वार संकरा होने के कारण इसमें आसानी से नहीं घुसा जा सकता। गुफा के अंत में एक छोटा तालाब है जिसे गोदावरी नदी कहा जाता है। दूसरी गुफा लंबी और संकरी है जिससे हमेशा पानी बहता रहता है। कहा जाता है कि इस गुफा के अंत में राम और लक्ष्मण ने दरबार लगाया था। हनुमान धारा। पहाड़ी के शिखर पर स्थित हनुमान धारा में हनुमान की एक विशाल मूर्ति है। मूर्ति के सामने तालाब में झरने से पानी गिरता है। कहा जाता है कि यह धारा श्री राम ने लंका दहन से आए हनुमान के आराम के लिए बनवाई थी। पहाड़ी के शिखर पर ही सीता रसोई है। यहाँ से चित्रकूट का सुंदर दृश्य देखा जा सकता है। भरतकूप। कहा जाता है कि भगवान राम के राज्याभिषेक के लिए भरत ने भारत की सभी नदियों से जल एकत्रित करके यहाँ रखा था। अत्रि मुनि के परामर्श पर भरत ने जल एक कूप में रख दिया था। इसी कूप को भरत कूप के नाम से जाना जाता है। भगवान राम को समर्पित यहाँ एक मंदिर भी है। जब श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास आए थे तब भरत को अपने माता कैकेयी के व्यवहार पर काफी दुख हुआ था। वे अयोध्या वासियों को साथ लेकर श्री राम को मनाने चित्रकूट आए थे। साथ में भगवान राम का राज्याभिषेक करने के लिए समस्त तीर्थों का जल भी लाए थे। लेकिन भगवान राम 14 वर्ष वनवास के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे। इस पर भरत काफी दुखी हुए और अपने साथ लाए समस्त तीर्थों के जल को वहीं के कुएं में डाल दिया। केवल अपने साथ भगवान राम की खड़ाऊं लेकर वापस चले गए। तभी से इस स्थल का नाम भरतकूप पड़ा। अगला अध्याय 5 होगा जिसमें आप लिखेंगे आधुनिक इतिहास, मतलब कि चित्रकूट का जो भी इतिहास है वो किस प्रकार से क्या है आप लिखेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में 6 मई 1997 को बांदा जनपद से काटकर छत्रपति शाहू जी महाराज नगर के नाम से नए जिले का सृजन किया गया जिसमें करवी तथा मऊ तहसीलें शामिल थी। कुछ समय बाद 4 सितंबर 1998 को जिले का नाम बदलकर चित्रकूट कर दिया गया। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में फैली उत्तरी विंध्य श्रृंखला में स्थित है। यहाँ का बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और मध्य प्रदेश के सतना जनपद में शामिल है। यहाँ प्रयुक्त चित्रकूट शब्द इस क्षेत्र के विभिन्न स्थानों और स्थलों की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक विरासत का प्रतीक है। प्रत्येक अमावस्या में यहाँ विभिन्न क्षेत्रों से लाखों श्रद्धालु एकत्र होते हैं। सोमवती अमावस्या, दीपावली, शरद पूर्णिमा, मकर संक्रांति और रामनवमी यहाँ ऐसे समारोहों के विशेष अवसर हैं। एक शांत और सुंदर आध्यात्मिक स्थान है। यह आपको कड़कड़ में श्री राम की अनुभूति प्रदान करेगा। भूगोल। जिले के उत्तर में कौशाम्बी जिला, दक्षिण में सतना जिला जो कि मध्य प्रदेश का है, रीवा जिला मध्य प्रदेश का है, पूर्व में प्रयागराज जिला और पश्चिम में बांदा जिले से घिरा है। चित्रकूट जिला मंदाकिनी, जिसको पयस्विनी की नदी के भी कहा जाता था, नदी के तट पर स्थित इलाका है जो कि पहाड़ी है। अब यहाँ की अर्थव्यवस्था भी हम लिखेंगे। 2006 में पंचायती राज मंत्रालय ने चित्रकूट को देश के 250 सबसे पिछड़े जिलों में से एक का नाम दिया था। यह उत्तर प्रदेश के 34 जिलों में से एक है जो वर्तमान में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम
बीआरजीएफ से धन प्राप्त कर रहा है। बाद की सरकारों ने अक्सर जिले के विकास की उपेक्षा की है और इसलिए यह भारत के सबसे दूरस्थ और कट ऑफ जिलों में से एक बन गया है। उसके बाद आप यहाँ पर जनसांख्यिकी 20 की आप दे देंगे कि इसमें किस धर्म को मानने वाले कितने प्रतिशत लोग हैं। 2011 जनगणना के अनुसार चित्रकूट जिले की जनसंख्या 17,99,410 है, जिसमें से 9,65,876 पुरुष तथा 8,33,534 महिलाएं हैं। यह जनसंख्या लगभग गांबिया के बराबर है। इस प्रकार से जनसंख्या के अनुसार इस जिले का भारत के 640 जिलों में से 265वां स्थान है। यहाँ जनसंख्या का घनत्व 408 प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में यानी कि 1060 प्रति वर्ग मील है। इस जिले में 2001 से 2011 के दौरान दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.05% रही। जिले का लिंगानुपात 863 है तथा 66.67% की साक्षरता दर है। यह जिला 15.32% जनसंख्या नगरीय तथा 68.67% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इस जिले की 15.32% जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में और 68% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। धर्म, यहाँ का प्रमुख बहुसंख्यक धर्म हिंदू है जो कि कुल जनसंख्या का 91% है। अन्य अल्पसंख्यक धर्म में मुस्लिम धर्म को फॉलो करने वाले लोग 8.67% 76%, ईसाई 0.08%, जैन 0.05%, सिक्किम 0.01% तथा बौद्ध 0.01% हैं। 0.08% लोगों ने अपने धर्म का उल्लेख नहीं किया है। भाषा, इस जिले की प्रमुख भाषा बुंदेली है जो कि 72 से 91% हिंदी भाषा के ही समान है। यहाँ पर हिंदी और भोजपुरी बोलने वाले लोग भी पाए जाते हैं। यातायात, अब हम देखेंगे कि चित्रकूट पहुँचने के अन्य रास्ते क्या हैं, क्योंकि रिपोर्ट में ये सारा कुछ रिसर्च करके भी लिखना होता है, इसलिए हम सारी चीज़ें लिखेंगे। रेलवे सुविधाएं, यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन करवी में स्थित है। यह रेलवे ट्रैक के साथ सभी प्रसिद्ध शहरों से जुड़ा हुआ है। चित्रकूट से रेल मार्ग निम्नानुसार है। चित्रकूट से हजरत निजामुद्दीन वाया बाया बांदा यानी कि आप दिल्ली जा सकते हैं। चित्रकूट से लखनऊ, चित्रकूट से इलाहाबाद मुगल सराय हावड़ा, चित्रकूट से वाराणसी वाया मानिकपुर, चित्रकूट से कुर्ला मुंबई वाया झांसी भी जाया जा सकता है। सड़क सुविधाएं, चित्रकूट जिला राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य सड़क मार्ग सहित सभी प्रसिद्ध शहरों से जुड़ा हुआ है। चित्रकूट से मुख्य सड़क मार्ग निम्नानुसार हैं। चित्रकूट से लेकर मिर्जापुर तक वाया इलाहाबाद, चित्रकूट से बांदा कानपुर और लखनऊ, चित्रकूट से राजापुर, चित्रकूट से सागर तक, चित्रकूट से पन्ना तक। वायु सुविधाएं, इलाहाबाद में बमरोली हवाई अड्डे इलाहाबाद में बमरोली हवाई अड्डा निकटतम हवाई अड्डा है जो यहाँ से 106 किलोमीटर की दूरी पर है। चित्रकूट से दूर अगला खजुराहो हवाई अड्डा है जो चित्रकूट से 167.7 किलोमीटर दूर है और दोनों हवाई अड्डों में दिल्ली के लिए दैनिक उड़ान सेवाएं हैं। इसके बाद एक अलग पेज पर, अगले पेज पर आप इसका उपसंहार भी लिखेंगे। 6 नवंबर 2022 से शाम 8 नवंबर 2022 तक आयोजित भ्रमण के संदर्भ में यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि यह भ्रमण अत्यंत आकर्षक, शैक्षिक तथा मनोरंजक रहा। हमारी यह यात्रा बहुत ही ज्ञानवर्धक रही, जिससे मैंने उन सभी क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त की जिसका प्रत्यक्ष अवलोकन विद्यार्थी जीवन में कम ही लोगों को प्राप्त हो पाता है। इससे हम सभी छात्र छात्रगण पूर्ण रूपेण लाभान्वित हुए हैं, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। उपसंहार लिखने के बाद दोबारा से आप आभार लिखेंगे जो कि इसका बिल्कुल अंतिम पॉइंट होगा। मैं अपना नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, मैं अपना नाम लिख के फिर अपनी क्लास लिखेंगे। एमए में है तो एमए में, बीए में है तो बीए में। इस शैक्षणिक भ्रमण के कार्य की पूर्ति हेतु प्राचार्य का नाम तथा जो अध्यापक
आपके साथ गए हों उनका भी, जैसे आप यहाँ पर उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल होंगे, जो भी प्राचार्य होंगे उनका भी नाम लिखेंगे, और जो भी अध्यापक या जो भी प्राध्यापक आपके साथ गए हों उन सभी प्राध्यापकों का भी नाम यहाँ पे आपको देना होगा। और इस नाम लिखने के बाद फिर आप आगे कंटिन्यू करेंगे, और अपने साथी सहपाठियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ, जिनकी असीम सहायता से शैक्षणिक भ्रमण का कार्य संपन्न हो पाया है, तथा तो जिसके कारण हम नवीन ज्ञान के साथ साथ प्रत्यक्ष अनुभव भी हासिल कर पाए। मैं एक बार पुनः अपने प्राध्यापक श्री आनंद कुशवाहा सर तथा अन्य प्राध्यापकगण का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, तथा तो पुनः अपने सहपाठियों का भी धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने संपूर्ण पर्यटन की अवधि में मैत्री एवं सद्भावनापूर्ण व्यवहार बनाए रखा। धन्यवाद। फिर से आप अपना यहाँ नाम देंगे और अपना क्लास लिखेंगे। रिपोर्ट तैयार कराने के बाद आप अपने टूर सुपरवाइजर से यहाँ पर सिग्नेचर भी कराएंगे और अपना भी सिग्नेचर यहाँ पे करेंगे, क्योंकि ऑथराइज्ड होना जरूरी है। फिर इसको आप लिख करके या तो टाइप करा लीजिए या तो प्रिंट करा लीजिए, और एक अच्छी सी फाइल में लगा करके अपने एग्जामिनर के समक्ष आप प्रस्तुत हो सकते हैं। अगर आपको यह रिपोर्ट अच्छी लगी हो, कैसे बनाना है, अगर आपको पूरी तरीके से चीज़ें समझ में आ गई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।